गाइस बारिश बहुत तेज हो रही है, आप लोगों को यहाँ से दिख रही है ना? हाँ दिख रही है, देखो। और मेरी तबीयत ठीक नहीं है इसलिए मैं छत पर बिल्कुल भी नहीं जाऊँगी। सो गाइस मैं खाना खाने जा रही हूँ और यहाँ पे मैंने खाना भी बनाया है, आलू और कोहड़ा की सब्जी, दो रोटियाँ और ये है सैलेड, किसका है, खीरा है, मूली है और यहाँ पे दही है नमक डाल के। तो आइए आप लोग भी गर्मा गर्म खा लीजिए। हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। सो गाइस मैं अपना ब्लॉग स्टार्ट कर दी हूँ और कुछ काम है, काम क्या, कबर्ड है उसको साफ़ करना है थोड़ा सा और बिस्तर ठीक करना है। तो बिस्तर तो ठीक हो गया है, बस कबर्ड साफ़ करना है। तो चलिए आप लोगों के साथ ही कबर्ड को साफ़ कर लेते हैं। और यहाँ पे देखिए माथे में ना मेरे किसी चीज़ का रिएक्शन हो गया, दवाई इतना खा रही हूँ ना, उन्हीं में से किसी दवाई का रिएक्शन है जिसकी वजह, इधर भी हुआ था, इधर का तो सही हो गया, इधर का भी नहीं हुआ सही। ठीक है, तो ब्लॉग में तक बने रहिए, ब्लॉग अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर अगर फर्स्ट टाइम है चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा और उसके बाजू में बेल आइकन है इसको बजा दीजिएगा ताकि मेरे वीडियो जो भी नोटिफिकेशन आए वो आप तक पहुँचते रहे। कमेंट जरूर कीजिएगा ब्लॉग को ब्लॉग कैसा लगा। और हाँ आज है मंडे, आज है सावन का सोमवार, तो सावन के सोमवार की हार्दिक शुभकामनाएं आप लोगों को। और यहाँ पर मैं चल रही हूँ थोड़ा सा कबर्ड ठीक करने। ठीक है, तो बने रहिए आप लोग, काम वाली अभी तक नहीं आई है, झाड़ू लगाना है। वैसे फ़ोन तो आया था उसका कि थोड़ी देर में आएगी, अब देखो थोड़ी देर में कितनी देर में आती है, जब तक वो नहीं आएगी तब तक मैं टेस्ट नहीं कर पाऊँगी। सो गाइस यहाँ पे मैं आ गई हूँ कबर्ड को ठीक करने, और पूरा कबर्ड नहीं ठीक करना है, मैं अपना कबर्ड एक दिन ठीक करी थी दो दिन पहले ही, मिस्टर जी का भी बस बचा है। तो ये ऊपर का जो सेक्शन है ना वो मिस्टर जी का है, उसमें मिस्टर जी के कपड़े वगैरह रखती हूँ तो वही रखने हैं, और जो कपड़े रिजेक्ट हो गए हैं उनको मैं निकाल के दूसरी जगह रख दूँगी ताकि कोई ज़रूरतमंद हो जो जिसको कपड़े चाहिए मैं उसको दे सकूँ, तो वही मैं देख रही हूँ। और जो प्रेस करके कपड़े आए वो अभी यहाँ पे नहीं लेकर आई हूँ, उसको मैं वहीं पे रख के आई हूँ हॉल में ही, तो पहले यहाँ के साफ़ सफाई कर लूँ उसके बाद ला के मैं रखती हूँ। एंड यहाँ पे भाई पूरा सामान चीज इतना बिखरा पड़ा है ना पूछो मत, इस ये काम वाली ना बहुत परेशान करती है, आती नहीं है जल्दी। अभी तक मैं देखिए पूरा घर वैसे का वैसा बिखरा है, इसको ठीक करना ये वो बहुत सारे काम पड़े हैं, पेंटिंग है जो कि करने हैं, और यहाँ पे कपड़े की तह मैं लगा दी हूँ प्रेस वाला, और ये पैंट है और इसमें भी कुछ कपड़े हैं प्रेस किए हुए उसको मैं रख दूँगी, बाकी सब मैं जो रिजेक्टेड नहीं बोल सकते कपड़ों को क्योंकि ये कपड़े एक भी ना फटे हैं ना तो उसके चैन ख़राब हुए हैं ना ही उसके बटन ख़राब हुए हैं, कुछ भी ख़राब नहीं हुए हैं, रिजेक्टेड मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मिस्टर जी को अब नहीं पहनना है उसको, वो पहन पहन के ऊब गए हैं, तो बोले ये सब कपड़े किसी को दे दो जो ज़रूरतमंद हो। यहाँ पे एक आते हैं यहाँ आश्रम वाले जो कि अनाथ आश्रम के हैं, वहाँ पे अनाथ आश्रम में छोटे बच्चे और बूढ़े जवान औरतें मतलब बहुत सारे हैं, दो तीन आश्रम हैं साथ में ही, तो वहीं के लोग आते हैं और लेके जाते हैं ये सब कपड़े, तो मैं वहाँ पे रखवा दूँगी अपार्टमेंट के नीचे, तो वहाँ से ही ले लेंगे वो लोग, लेके जाते हैं तो ज़रूरतमंद जो होते हैं वो जिसके साइज़ का रहता है वो अपना लेके पहनता है, बच्चे के भी कपड़े मेरे जब ऐसे नहीं पहनने वाले रहते तो मैं दे देती हूँ उन्हीं लोगों को, क्योंकि कम से कम किसी को तो कुछ तो नसीब हो, बहुत कोई तो है जिसको एक अच्छे से खाना ही नसीब नहीं होता तो पहनने का तो बड़ी दूर की बात है, दो वक्त की रोटी भी नसीब नहीं होती तो कपड़े क्या खाक होंगे। और कपड़े तो ख़राब भी नहीं है, कपड़े अच्छे हैं पूरे, मैं वही देख रही थी किसी में बटन वटन लगा है कि नहीं है, अगर नहीं रहता ना तो मैं उसको लगा देती हूँ ताकि जो पहने वो आशीष दे आशीर्वाद दे उसका रोवा आशीष से, तो इसके लिए मैं उसको लगा देती हूँ। तो
वही मैं चेक कर करके सब रख रही हूँ। आप लोग बताइए आप लोग कपड़े का क्या करते हो, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। एंड यहाँ पे मैंने थोड़ा सा फास्ट किया हुआ है क्योंकि वीडियोस काफ़ी लंबी, काफ़ी क्या 13-14 मिनट की हो रही थी, तो मैंने थोड़ी सी फास्ट कर दी तो वो 10 मिनट की हो गई, 10.5 मिनट की। एंड यहाँ पे ये मेरी टी शर्ट है, मैं कभी कभी जब मेरा मूड होता है पहनती हूँ, तो उल्टा रखा हुआ था। उल्टा ना हम लोग नहीं रखते, उल्टा रखने से, अब मुझे तो नहीं पता है, सब लोग बोलते हैं उल्टा कपड़ा करके फोल्ड करके रखने से घर में कलेश बढ़ता है, झगड़े होते हैं, तो इसके लिए मैं कपड़े हमेशा सीधी करके ही रखती हूँ। मैं कभी फोल्ड भी करती हूँ ब्लॉग में, तभी भी देखिए जो कपड़े उल्टे रहते हैं उसको मैं सीधी करके रखती हूँ। एंड यहाँ पे वो टॉवल था उसको धोने के लिए रख दी हूँ, वो गंदा दिख रहा था मुझे, तो उसको धोएंगे फिर यूज़ करेंगे। और मैं बहुत दिन से दुपट्टा खोज रही थी ब्लैक कलर का, मैं सोच रही थी मेरे पास नहीं है दुपट्टा, मैं कहीं आती जाती थी ब्लैक कलर दुपट्टा चाहिए होता तो मैं सिवा सी लेती थी। मैं सोच रही थी खरीदने के लिए, ऑनलाइन बुकिंग भी करी थी मैं, बट वो आया ही नहीं, बड़ा सुंदर दुपट्टा था वो नहीं आया, तो मैंने कहा चलो ठीक है मैं बाद में ले लूँगी। लेकिन आज मिस्टर जी का कबर साफ़ करते हुए मिल गया, एकदम न्यू दुपट्टा है, मुझे लग रहा है मैं ला के उसको रख दी थी, एक आध बार ओढ़ी होंगी, नहीं तो उसको मैं रखती थी और रख के मैं भूल गई थी। आज अचानक जब कवर साफ करने लगी तो मिल गया। होता है ना, कोई जब कोई चीज़ नहीं मिल रहा होता ना, अचानक ही मिलता है। अभी मैं पैसे कहीं रख के भूल गई हूँ, मुझे याद ही नहीं है कि मैं पैसे कहाँ रखी हूँ, वो अचानक में ही मिलेगा, मैं कहीं पेपर वेपर के नीचे रखी होंगी। और वो सब करने के बाद ना मुझे बहुत तेज़ प्यास लग गई थी, प्यास लग गई तो मैं पानी लेकर आई थी पीने के। एंड साथ साथ मैं ग्रीन टी भी बनाया हुआ है, सो ग्रीन टी अभी ठंडा हो रहा है, ज़्यादा गर्म चीज़ें मैं नहीं खा पी पाती, बहुत मुझे मुंह में जलन होती है, तो अभी थोड़ी मेरे टेस्ट के अकॉर्डिंग हो गई तो मैं इसको ग्रीन टी पी रही हूँ। ग्रीन टी पीने के बाद अब थोड़ी देर रेस्ट करूँगी, फिर मैं आप लोगों से मिलूँगी शाम को, क्योंकि अब मुझे नशा लग रहा है सोने का। सो चलिए मिलती हूँ मैं आप लोगों से। गाइस बारिश बहुत तेज़ हो रही है, आप लोगों को यहाँ से दिख रही है ना, हाँ दिख रही है देखो। और मेरी तबीयत ठीक नहीं है इसलिए मैं छत पर बिल्कुल भी नहीं जाऊंगी, और 4:30 बजे ही अंधेरा हो गया, एकदम बारिश परेशान हो गया। आज थोड़ा सा धूप हुआ था तो कपड़े धो के डाल दी, फिर से अभी कपड़े एक बार और धोने को बचे हैं, मैं आप लोगों को सामने से दिखाती हूँ बारिश। नहीं बारिश में नहीं भीगा, तेज भूख लगी है। और आर्या ने बनाया है, क्या बनाया है आर्या आपने? उपमा। उपमा थोड़ा सा उसमें वो डाल देना, बिना नींबू का मुझे उपमा पोहा ना अच्छा नहीं लगता, और स्पाइसी भी कम रहता है आर्या का खाना। नहीं है बिल्कुल भी नहीं है, नींबू मंगवाई क्योंकि खट्टापन नहीं रहेगा, नम और वो भी नहीं है, तो क्या नहीं है, मिर्ची नहीं है, मिर्ची डाली मेरे को आपकी कुछ भी क्या देख भाई, क्यों इतना ही है, है नहीं काले का कौन ना, तो मैं नहीं खिलाऊंगा तो मुझे बहुत तेज भूख लग रही है, थोड़ा इसको सूखा ही बनाना था। मिर्ची तो बहुत तीखी थी, अब तीखा नहीं खवाया जाता मेरे से, पहले तो मैं इतना तीखा खा रही थी ना, पूछो मत, कल तो खवाया ही जाता ना, और मम्मी का वेट कम हो गया था ना।
98 कुछ था पहले, गांव में जाने के बाद कम हुआ है। तो यही है आज का ब्लॉग। ब्लॉग पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा, उसके बाद जो बेल आइकन है उसको बजा दीजिएगा ताकि मेरे वीडियो जो भी नोटिफिकेशन हो आप तक पहुँचते। कमेंट जरूर कीजिएगा आप लोगों को ब्लॉग कैसा लगा। तो इसी के साथ मिलती हूँ मैं आप लोगों से एक मेरे ब्लॉग में, पेट भर के अच्छे से। तो तब तक के लिए बाय बाय, सी यू सून, लव यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।